हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडम्बो शॉर्ट्स। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट वन में तो 54 क्वेश्चन तक हम लोग देखे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट। तो पहला क्वेश्चन है कोकोनट फ्रूट इज ए, ये 2017 नीट में आया था। तो ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोकोनट फ्रूट इज ए ड्रूप। ठीक है, कोकोनट क्या है, ये एक ड्रूप है। ड्रूप कहने का मतलब है फाइब्रस मेसोकार्प रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम लोग क्या खाते हैं कोकोनट का। तो ये हो जाएगा इंडोस्पर्म, उसमें फ्री न्यूक्लियस रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोस्पर्म बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, ये 2014 में पूछा गया था। तो ये ट्रू फ्रूट का स्टेटमेंट है। तो ट्रू फ्रूट में क्या रहता है, पेरिकार्प रहता है। तो पेरिकार्प को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो पहला हो जाएगा इपिकार्प, दूसरा मेसोकार्प एंड तीसरा इंडोकार्प। इपिकार्प क्या रहता है, वो मेम्ब्रेनस स्किन रहता है ना, जिसको इपिकार्प बोलते हैं। मेसोकार्प बोलते हैं जो मिडिल पार्ट में रहता है ना, फ्लेसी पार्ट। और इंडोकार्प बोलते हैं जिसमें प्लासेंटा और सेप्टा रहता है ना, जो पल्पी रहता है। तो ये इसमें तीनों पार्ट खाया जाता है, मतलब खाने लायक रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोमेटो। ठीक है, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम, मतलब एग्रीगेट फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है। तो ये हो जाए, कहने का मतलब ये फ्री ओवरी से डेवलप होता है। फ्री ओवरी से डेवलप होने वाले को क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन है ना। तो इसमें सिंगल फ्लावर रहता है, मतलब गाइनोशियम, सिंगल गाइनोशियम रहता है। आंसर हो जाएगा मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेंसेस, ये 2012 में पूछा गया। तो कंपोजिट फ्रूट कहने का मतलब है कि मल्टीपल फ्रूट भी इसको बोल सकते हैं। ये कहाँ से मतलब डेवलप होता है, इन्फ्लोरेंसेस से है ना, डिफरेंट फ्लावर ऑफ एन इन्फ्लोरेंसेस। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिग हो जाएगा है ना, और पाइनएप्पल हो जाएगा, मलबरी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, कोकोनट वाटर और एडिबल पार्ट दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं। कोकोनट फ्रूट तो एक ड्रूप है, ड्रूप कहने का मतलब है फ्लैसी फ्रूट। कोकोनट में क्या क्या रहता है, मेम्ब्रेनस इपिकार्प रहता है, फाइब्रस मेसोकार्प है ना, एस्टोनी इंडोकार्प। इंडोकार्प एक सिंगल सीड को इनक्लोज करके रखता है ना। तो जिसमें क्या रहता है, एम्ब्रॉय रहता है और वाइट पार्ट ऑयली पार्ट रहता है, जिसमें वाटर रहता है, जो एडिबल पार्ट रहता है उसको कोकोनट वाटर बोलते हैं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोस्पर्म, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ड्रूप डेवलप्ड इन मैंगो वीट पी मैंगो, ड्रूप किसमें डेवलप होता है। तो ड्रूप कहने का मतलब फ्लैसी फ्रूट है ना, जिसको हम लोग खाया जाता है। तो फ्लैसी पार्ट क्या रहता है मैंगो में, बाहर का जो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, इसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं है ना। मैंगो में क्या रहता है, पेरिकार्प रहता है बाहर का लेयर है ना, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। फिर मिडिल पार्ट रहता है फ्लैसी पार्ट, इसको हम लोग खाते हैं मैंगो में है ना, मैंगो शेक बनाते हैं। और इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प रहता है, जिसमें वो सीड उसमें रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपैंथोडियम ऑफ इन्फ्लोरेंसेस इज कॉल्ड, तो जो फ्रूट हाइपैंथोडियम ऑफ इन्फ्लोरेंस से होता है, जो हाइपैंथोडियम कैसा रहता है, बॉक्स टाइप रहता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, ऑप्शन सेरोसिस सिनकस
कैरोप्सिस हेस्पेरेडियम। तो सिरोसिस और सिनकस तो दोनों सेम टाइप है, मतलब ये कंपोजिट फ्रूट का टाइप है, मतलब एक सिरोसिस होता है और सिनकस जो इन्फ्लोरेंसेस से डेवलप होता है। तो इन हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंसेस किस में होता है? सिनकस में। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बी, कैप्रोसिस, कैप्रोसिस हेस्पेरेडियम, ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोटिलेडन एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट इन, कोटिलेडन एंड टेस्टा ये एडिबल पार्ट रहता है किस फ्रूट में? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलनट, टर्मरिन, फ्रेंच बीन, कोकोनट, कैश्यू नट, लीची, ग्राउंड नट एंड पोमग्रेनेट। कोटिलेडन रहता है इसमें, जो ग्राउंड नट रहता है इसमें एडिबल पार्ट रहता है कोटिलेडन, है ना। और पोमग्रेनेट में सिनकस ओवरी रहता है तो इसका टेस्टा एडिबल पार्ट रहता है। तो इसका एग्जांपल आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट एंड पोमग्रेनेट, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लेसी रेसेप्टिकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इनक्लोजेस ए नंबर ऑफ, ऑप्शन है बेरीज, एक्नीस, मेरिकार्प, सामरस। तो रेसेप्टिकल ऑफ सिनकोन्स में हम लोग क्या, इन्फ्लोरेंसेस का एग्जांपल है, मतलब हाइपनथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस, है ना। तो इसमें क्या रहता है, ए स्मॉल एक्नी लाइक फ्रूटलेट, है ना। तो ये किस में होता है, फिकस प्लांट में, तो साइकन ऑफ फिग। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्नीस, आंसर सी। ड्राई इंडेंसेंस सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इन्फीरियस ओवरी इज, तो ये किस में होता है, पेरीज, कैरियोप्सिस, क्रेमोकार्प, सिप्सेला। तो सिप्सेला क्या होता है, सिप्सेला एक ड्राई वन चेम्बर्ड वन सीडेड डेवलपिंग फ्रूट होता है ना, इसमें इन्फेरियर बाइकार्पिलरी ओवरी होता है इसका एग्जाम्पल। तो इसमें होता है एग्जाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर, मेरीगोल्ड। और कैरेप्सिस क्या होता है, कैरेप्सिस हो जाएगा जिसमें ये कैसा रहता है, स्मॉल ड्राई वन सीटेड, है ना, सुपीरियर मोनोकार्पिलरी ओवरी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस वीट। और क्रेमोकार्प क्या होता है, तो ये बायलोकुलर टू सीटेड फ्रूट रहता है ना, डेवलपिंग इन्फीरियर बाइकार्पिलरी हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कोरिएंडर। और बेरी क्या होता है, ये डेवलप किसमें, किससे डेवलप होता है, मल्टी कार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से, है ना, सिनकार्पस कंडीशन जिसमें रहता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा टोमेटो, बनाना, ब्रिंजल, गुआवा। ड्राई इनडेहिसेंस सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी। तो ऑप्शन हो जाएगा सिप्सेला। सिप्सेला में कैसा रहता है कि ड्राई वन चैम्बर, है ना, डेवलपिंग फ्रॉम बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2008 में पूछा गया, द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी एंड हैज अ सीड विद सकलेंट टेस्टा। सकलेंट टेस्टा किस में रहता है, गुआवा, पोमग्रेनेट, कुकुम्बर, ऑरेंज। तो ये सकलेंट टेस्टा जो है ये पोम ग्रेनेट में रहता है, ठीक है। सकलेंट टेस्टा वर्ड से आप पोम ग्रेनेट सीधा याद करके रख सकते हैं, ये पोम ग्रेनेट में जनरली होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनएप्पल अनानास फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम, तो पाइनएप्पल अनानास ये कहाँ से डेवलप होता है, ये भी सिरोसिस इन्फ्लोरेंसिस का एग्जाम्पल है ना, मल्टीलोकुलर मोनोकार्पिलरी फ्लावर से, नहीं, यूनिलोकुलर पॉलीकार्पिलरी फ्लावर, नहीं, मल्टी पिस्टिलेट सिनकार्पस फ्लावर से, नहीं, तो क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर ऑन ए कॉमन एक्सिस। तो ये किस में पाया जाता है, सिरोसिस इन्फ्लोरेंसिस में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर ऑन ए कॉमन एक्सिस, मतलब जो
कॉम्पैक्टली मतलब बॉन्ड फ्लावर रहता है, कॉम्पैक्ट पूरा कॉम्पैक्ट रहता है वो फ्लावर, कैसा रहता है कॉम्पैक्ट रहता है एक कॉमन एक्सिस पे, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट द एडिबल पार्ट इज एराइल। एराइल, एराइल कहने का मतलब एराइल वर्ड जो है इसको आप अच्छे से रट लें, एराइल रिलेटेड टू लीची, ठीक है। एडिबल पार्ट जिसको हम एराइल बोलते हैं ये किस में पाया जाता है, लीची, पोमग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल एंड ऑरेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एराइल रिलेटेड टू लीची, इसको आप एकदम रट लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ लीची, सेम एराइल वर्ड हम लोग पहले देखेंगे है इससे रिलेटेड कि नहीं, तो इसमें एडिबल पार्ट क्या है, मेसोकार्प, पेरिकार्प, एंडोकार्प, ये तीनों तो होगा नहीं, तो जूसी एराइल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो जिसका बायोलॉजी, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, तो इसका एडिबल पार्ट क्या होगा, अभी हम लोग थोड़ा देरी पहले पढ़े थे मेसोकार्प। मैंगो एनाकार्डियेसी फैमिली से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम, तो ये कहाँ से डेवलप होता है जूसी हेयर, लेमन में जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ, कौन से पार्ट से ये डेवलप होता है, तो लेमन कैसा फ्रूट है, ये एक हेस्पेरिडियम टाइप ऑफ फ्रूट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बहुत सारा चैम्बर्ड रहता है ना, डेवलपिंग ये सिनकार्पस ओवरी डेवलप होता है। लेमन के पास कैसा रहता है, बहुत सारा फ्लैसी फ्रूट चैम्बर्ड पाया जाता है जो इंडोकार्प से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो लेमन में है तो ये ऑरेंज में भी होगा, तो इसका एग्जांपल ऑरेंज भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोकार्पिक फ्रूट, जियोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं, पोटैटो, ऑनियन, पीनट, गार्लिक, तो इसका आंसर हो जाएगा पीनट, है ना, इसको याद कर लीजिए। तो एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, एडिबल, बनाना का एडिबल पार्ट क्या रहता है, तो बनाना क्या है, एक बेरी है ना, ये कहाँ से डेवलप होता है, मल्टीकार्पोरे, सिनकार्पस ओवेरियस, है ना, तो इसका एडिबल पार्ट हो जाएगा इंडोकार्प एंड लेस डेवलप मेसोकार्प, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जियोकार्पिक फ्रूट इज, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे उसका ऑप्शन था पीनट, है ना, तो ग्राउंड नट, पीनट, ये सब क्या है, जियोकार्पिक फ्रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट आर प्रोड्यूस बाय पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी कहने का मतलब है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट हो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना, पोमग्रेनेट, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पोमग्रेनेट, है ना, इसका पार्थेनोकार्पी से अगर जो ये प्रोड्यूस होगा तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू घट जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोमग्रेनेट डी। विच इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं, तो ट्रू फ्रूट बनाना को बोलेंगे, एप्पल तो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा, फिग पियर होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रूट ऑफ मेंजीफेरा इंडिका ये बायोलॉजिकल नेम है किसका, आपको पता है, ये मैंगो का है, मैंगो क्या है, एक ड्रूप फ्लैसी फ्रूट है ना, जो जिसका मेसोकार्प एडिबल पार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो जूस इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो हमको पता है मैंगो से हम लोग मेसोकार्प से बनाया जाता है, तो मैंगो जूस उसी से बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट इज, फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट क्या है, ये एक बेरी तो होगा नहीं, ये बनाना है, केरोप्सिस होगा नहीं, नट नहीं होगा, तो ये लेग्यूम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड सीड, है ना, ये टॉपिक क्लास 12 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी अच्छे से दिया हुआ है, और इधर मॉर्फोलॉजी 11 में मॉर्फोलॉजी में भी दिया हुआ है, तो आप दोनों जगह से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूनिकल एट, एकदम साफ साफ एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिलम, न्यूक्लियस, न्यूसेलस,
माइक्रोपाइल चला जा। तो इसका एनसीईआरटी में लाइन एकदम दिया हुआ है, द हिलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट वेयर फिनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, मेज ग्रेन में कैसा कोटिलेडन होता है, ये मोनोकोट होता है, इसी फैमिली में होता है, इसका वीट ग्रेन एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्कूटेलम, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 12 वाला में ज्यादा अच्छा से दिया हुआ है, 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रायो विथ वन लार्ज शेल सील्ड शेप कोटिलेडन इज नोन एज, ये एकदम अभी हम लोग तुरंत हम लोग पढ़े, ओनली वन लार्ज शील्ड कोटिलेडन मतलब मोनोकोट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। क्लिप्टाइल एपिप्लास्ट क्लियोरेजा तो होगा नहीं, इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है पहले अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। द सीड इन ग्रासेस इज नॉट इंडोस्पर्मिक, तो नॉट नहीं ये इंडोस्पर्मिक होता है, तो ये गलत है। मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मैंगो कैसा, ये सीडेड फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक मतलब विदाउट सीड, तो ये गलत है। ए प्रोटनेसियस एल्यूलर लेयर प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, एकदम एनसीईआरटी का साफ साफ लाइन दिया हुआ है, तो ये सही है। स्ट्राइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पहला ऑप्शन है, इन टमेटो फ्रूट इज ए कैप्सूल, ये गलत है। सीड ऑफ ऑर्किड हैव ऑयल रिच इंडोस्पर्म, ये भी गलत है। प्लासेंटेशन इज प्राइम रोज इज बेसल, ये भी गलत है, प्लासेंटेशन का तो परदेश में भी ये बताए थे। तो फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड शूट, तो ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटेलम ऑब्जर्व इन ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू बीच पार्ट ऑफ द सीड इन अनदर मोनोकोटिलेडन, तो कोटिलेडन एल्यूरॉन लेयर इंडोस्पर्म प्ल्यूमल, ये 2010 में पूछा गया था, आप हड़बड़ में इसका आंसर आप एल्यूरॉन लेयर मार दीजिएगा, है ना। तो इसमें कंपेरिजन पूछा गया, ठीक है, स्कूटेलम जो है ये क्या है, एक टिशू है, है ना, जो कहाँ पर आता है, एम्ब्रायो और इंडोस्पर्म के बीच में, है ना, ये एक मॉडिफाइड कोटिलेडन हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटिलेडन ए। एग्जाम्पल ऑफ सीड विथ इंडोस्पर्म पेरिस्पर्म क्रंकल, है ना, कॉफी कास्टर लिली कॉटन, तो इसका आंसर हो जाएगा कास्टर, कास्टर कास्टर का सीड आप लोग देखे होंगे, कास्टर कहने का मतलब है रेड़ी का पेड़, है ना, उसमें कैसा रहता है, कास्टर सीड में नीचे में एकदम छोटा सा टिप जैसा रहेगा, उसी को बोलते हैं क्रंकल, है ना, ब्राउन पार्ट को बोलते हैं पेरिस्पर्म, अंदर में वर्टिस्ट पार्ट जो रहता है तो उसको इंडोस्पर्म बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोस्पर्म इज कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो इन द सीड ऑफ, मतलब कंप्लीटली इंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं बचता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्राम पी बीन ऑर्किड, है ना, ये सब, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, पी कोकोनट मेज कास्टर, तो इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूरॉन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशलाइज रिच इन, मतलब एल्यूरॉन लेयर जो मेज में होता है ये इसमें क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन लिपिड स्टार्च ऑक्सिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए प्रोटीन, है ना, और जो क्रैंकल था वो लिपिड मतलब वो कार्बोहाइड्रेट रिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल पार्ट, टमाटो का तो थैलमस होगा नहीं, ग्वावा का मेसोकार्प नहीं होगा, मेज का कोटिलेडन नहीं होगा, एडिबल पार्ट डेट पाम का मेसोकार्प हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड नट द ऑयल फूड रिजर्व इन अर्जेंटीन, है ना, तो फूड कहाँ रिजर्व होता है ग्राउंड नट में, तो एपिकार्प तो होगा नहीं, इंडोस्पर्म मेसोकार्प होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटिलेडन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल रिजर्व ग्राउंड नट अर्जेंटीन, ग्राउंड अब सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरल फीचर आर चीपली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज फ्लावर कैन बी
सेफली प्रेस्ड, ये गलत है। रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट, ये सही है ना। फ्लावर आर नाइस टू वर्क विथ, गलत है। फ्लावर आर वेरियस कलर, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये फैमिली से क्वेश्चन है, फैमिली से भी हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको भी अच्छा से ये टॉपिक कर लीजिएगा। तो ट्रैक एल्पेरिलिस इन कार्पस कैनिशियम किस में होता है? पेवियसी, लिलियसी, पोएसी, सोलेनेसी, ये लिलियसी में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये फ्लोरल फार्मूला सोलेनेसी फैमिली का है, और सोलेनेसी फैमिली का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पेटूनिया ये सोलेनेसी से है, और एलियम है ये है लिलियसी फैमिली से। सेस्वेनिया हो जाएगा ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से, और ब्रैसिका है ये ब्रैसिकेसी फैमिली से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेटूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन कौन से फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेवियसी फैमिली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिल्ली इज, तो ये एनसीईआरटी में आप सब दिया हुआ है सोलेनेसी फैमिली में है, ठीक है। चिल्ली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और भी सोलेनेसी फैमिली में आप जितने भी एग्जांपल एनसीईआरटी में आप सब याद कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं आपका इसका फॉर्मूला समझाता हूँ। ये प्लस का साइन जो है ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, और ये बाइसेक्सुअल है, और के फोर कैलिक्स है ना, पांच वो कैलिक्स है, सी पांच उठे है, तो इसका मतलब हो गया कोरोला पांच है ना, एंड्रोसियम पांच है, और सुपीरियर ओवरी है ना, गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, गाइनोशियम बायकार्पेलेरी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन तो ये सोयाबीन किसका एग्जांपल है, फेबेसी फैमिली का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी फार्मूला हो जाएगा सी। तो परसेंटेज का मतलब बताएं, ये एक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्सुअल, कैलिक्स फाइव पेटलस है ना, कोरोला एक है, ये वैक्सिलरी का साइन है, एक स्टैंडर्ड है, दो ठो विंग है, और दो एंटीरियर है ना, जिसको हम लोग जो कील बनाता है, और एंड्रोसियम कैसा है, नाइन प्लस वन अरेंजमेंट है, गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी है ना, होनोकार्पेलरी। सो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें करेक्ट देखना है ना, तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टेरियर पेटल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड, ये सही है। टू लेटरल वन आर विंग है ना, एंड टू स्मॉल एंटीरियर पेटल आर इज टर्म एज कील है ना, तो ये सही है। द फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलियसी इज, पेरियन तीन है ना, तीन छः है, तीन प्लस तीन, फिर एंड्रोसियम थ्री प्लस थ्री है, गाइनोसियम सुपीरियर है, ट्राइलोकुलर है, तो ये सही है। इन पी फ्लावर द स्टेमेन आर मोनोडेल्फस, तो ये गलत है, यहाँ क्या हो डायडेल्फस स्टेमेन होता है। फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी इज, तो सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला आप देख लीजिएगा, जिसमें होता है कैलिक्स पाँच होता है, कोरोला पाँच होता है, एंड्रोसियम पाँच होता है, और डायडेल्फस गाइनोसियम होता है, तो इसमें गलत दिया हुआ है। का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन वन टू आर करेक्ट। नेक्स्ट है, फ्लोरल फार्मूला ऑफ, ये किसका फ्लोरल फार्मूला है, कौन सा फैमिली का है, और वो फैमिली में कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये टबैको का है। तो ये सोलेनेसी फैमिली का फॉर्मूला है ना, और इसका सोलेनेसी में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटामोरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बायकार्पेलरी ओवरी विथ ऑब्लिक सेप्टा एंड फ्रूट कैप्सूल वेरी आर कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ, ई एनसीईआरटी में साफ साफ सोलेनेसी फैमिली में दिया हुआ है। देखिए इसमें
फॉर्मूला को सेंटेंस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप सभी फॉर्मूला को सेंटेंस में चेंज करके देखें, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनासी फैमिली डी। इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के फाइव सी फाइव ए फाइव एंड जी में नीचे अंडरलाइन रहता है टू, है ना, बाइकार्पेलरी गाइनोशियम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइकार्पेलरी गाइनोशियम एंड ऑब्लिक ओवरी अकरिंग, सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन फ्रेंड, तो इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिंजल और मस्टर्ड पाइसम बनाना, ये सब दूसरे फैमिली से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा डायनोमस कंडीशन अकरिंग, टेट्रा डायनोमस कहने का मतलब होता है सिक्स स्टेमन रहता है, चार बड़ा और दो छोटा, तो चार बड़ा इसलिए टेट्रा डायनोमस बोला जाता है। तो ये क्रूसीफेरी फैमिली में होता है, ठीक है। लिलिएसी में कैसा रहता है, सिक्स स्टेमन रहता है ना, हॉल कंडीशन में 3+3 अरेंजमेंट में रहता है। सोलेनासी में फाइव स्टेमन रहता है ना। मालवेसी में क्या रहता है, नंबरस ऑफ स्टेमन रहता है ना, मोनोएडेल्फस कंडीशन रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड राइट अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें सही कौन है, ठीक है। तो ब्रैसिकेसी में सनफ्लावर, ये गलत है। मालवेसी में कॉटन, ये सही है। पेपलेनेसी में चेटू, ये गलत है। लिलिएसी में वीट, ये गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। इसमें आपको फैमिली का पूरा एग्जाम्पल याद करके रखना होगा, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम, पल्सेस कहाँ से पाया जाता है, कौन से फैमिली से। तो पल्सेस ये दाल फैमिली से, दाल फैमिली हम लोग सीधा बोलेंगे फेबेसी फैमिली, है ना। जितने प्रकार के दाल हैं वो सब फेबेसी फैमिली से पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फेबेसी फैमिली, ठीक है। इपीपेटलस स्टेमन विथ फ्री फिलामेंट एंड फ्यूज अनदर अकर इन, तो ये किस, ये कंडीशन कहाँ पाया जाता है, कौन से फैमिली में। तो इसका हो जाएगा एस्टेरेसी फैमिली, है ना। तो ये सेंटेंस आप पूरा याद करके रखें। एस्टेरेसी फैमिली के बारे में एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, बट इसको आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फाइव स्टेमन विथ फ्री फिलामेंट रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एस्टेरेसी। फिर फ्लोरल फार्मूला ऑफ टमाटो एंड टबैको, तो ये सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है, इसको हम लोग याद किए थे, जिसमें एक्टिनोमॉर्फी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 5 होता है, कोरोला 5 होता है, एंड्रोसियम 5 होता है, गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी नीचे अंडरलाइन जी में 2, मतलब बाइकार्पेलरी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एग्जाम्पल पूरा याद कर लेना होगा, आप लोग बोलेंगे तो इसका एग्जाम्पल का भी ट्रिक मैं बता दूंगा, आप कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका फॉर्मूला पूछा है, तो ये साफ साफ पता चल रहा है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनेसी का दिया हुआ है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपीपेटलस सिंजीनियस स्टेमन अकर इन, सिंजीनियस ये जो वर्ड है इसको आप एस्टेरेसिस से रिलेट करके आप रख सकते हैं, है ना। इतने 4-5 क्वेश्चन में हम लोग एस्टेरेसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता चल गया, है ना, उसमें कौन कौन से वर्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एस्टेरेसिस रिलेटेड, तो ये एस्टेरेसी हो जाएगा, तो इसको आप एक अलग से आप लिख के रख सकते हैं याद करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ए फैमिली डेलिमिटेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेज, डिलिमिटेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेज किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टेरेसिस, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंजीनियस कंडीशन, अभी तुरंत बोले सिंजीनियस रिलेटेड टू एस्टेरेसिस फैमिली, फिर से इसका आंसर हो जाएगा एस्टेरेसिस। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो फ्रेंड आप लोग बताइए आपको ये कैसा लगा, कुछ ट्रिक वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं फैमिली के एग्जांपल याद करने का ट्रिक बता सकता हूँ, आप लोग बोलिएगा तो मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगा। आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है आप बताइए, ठीक है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।